Hello everyone, I am Trupti. Welcome to NPC the channel where you can learn all the concepts of physics and uh, yes, which in our previous video, we have learned about the refraction of light through a prism and dispersion of light. If you have not watched that video, so please watch that video first and then come to this class. Because this class and that video is are related to each other. So आप पहले वो वीडियो देखिए उसके बाद में इस वीडियो पर आइए ओके सो फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू फिनोमेना ऑफ लाइट एंड दैट इज ऑल अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओके सो बेसिकली इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डील विथ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट लाइक स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है ओके सनसेट एंड सनराइज में सन रेडिश क्यों दिखाई देता है एंड ऑल दैट ओके ये सारे फिनना ये सारे एप्लीकेशन स्केटरिंग ऑफ लाइट की हम स्टडी करने जा रहे हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में ओके सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड लेट स्टार्ट आवर क्लास स्केटरिंग ऑफ लाइट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है किसी भी पार्टिकल पर तो उसके बाद इंसिडेंट होने के बाद में वो स्प्रेड हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओके स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर आप डेफिनेशन uh, की बात कर रहे हैं सो व्हेन सनलाइट इंटर्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेज प्रजेंट इन द एटमोसफियर एब्जॉर्ब दिस लाइट And then this atom and molecule of gases re-emit light in all directions, and this process is known as scattering of light. Okay, firstly, we know about the atmosphere of our earth. Okay, means Samara, jo earth around atmosphere hey atmosphere, different different particles, okay, like dust particle. वाटर ड्रॉपलेट्स मॉलिक्यूल्स, एटम्स ओके इन सभी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइनी पार्टिकल्स भी आते हैं टाइनी आइटम्स भी आते हैं मॉलिक्यूल्स भी आते हैं लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस के तो ये डिफरेंशिएट अगर आप डिफ्रेंशियट करें टाइनी पार्टिकल्स एंड लाइक मेजर पार्टिकल्स में सो so,

वॉटर ड्रॉपलेट पार्टिकल्स एंड दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स ओके अब इसके कंपैरिजन में अगर आप ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस के मॉलिक्यूल्स लें तो एज कंपेयर टू दिस पार्टिकल्स इट इज वेरी टाइनी. ओके सो so, जब लाइट रेज इन पार्टिकल पर इंसिडेंट होती हैं तो इन पार्टिकल्स के द्वारा लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ओके एंड एब्जॉर्ब लाइट जो है वो री होती है लाइट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स उन लाइट्स को रीइमिट करता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओके सो दिस फिना इज सेट टू बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स लाइट का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाना ओके इफ यू टॉक अबाउट द विबग्योर ओके सो विबग्योर इज द वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड ये हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट में स्टडी किया है ओके जनरली स्केटर्ड पार्टिकल्स जितना ज़्यादा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे वो डिपेंड करता है वेरलैंड पर ओके मीन्स ये जो विबग्योर आप देख रहे हैं इसमें अगर आप जनरली ब्लू ग्रीन एंड रेड कलर की बात करें सो ई अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वैव लेंथ क्या होता है डिक्रीज होता है ओके okay. इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो कलर्स के वै लेंथ डिक्रीजेज होते हैं एंड इन दिस डायरेक्शन इफ़ वी आर गोइंग टू देन द वै लेंथ टू बी इंक्रीजेज ओके एंड द वेव लेंथ इज डिपेंडिंग ऑन द स्केटर्ड पार्टिकल ओके मीन्स वेव लेंथ और स्केटर्ड पार्टिकल का जो कनेक्शन है दैट इज द टोटली इनवर्सली मीन्स जितनी ज्यादा वेव लेंथ होगी उतना ही पार्टिकल कम स्केटर्ड होगा ओके एंड जितनी कम वेव लेंथ होगी उतना पार्टिकल ज्यादा स्केटर्ड होगा ओके okay. सिंपली अगर आप बात करें ब्लू ग्रीन एंड रेड कलर की ओके okay. एंड uh, अब पार्टिकल्स को भी डिवाइड कर लें ये हमारे डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट के पार्टिकल्स हैं ओके okay, तो ये साइज में बड़े होते हैं तो इसमें जो स्कैटरिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर होता है एज़ कंपेयर टू द स्मॉल पार्टिकल्स स्मॉल गैसेस मॉलिक्यूल्स ओके तो जब सनलाइट इन डस्ट पार्टिकल पर इंसिडेंट होता है तो स्कैटर्ड होने के बाद ओके okay, स्कैटरिंग में ये सभी लाइट्स जो हैं वो री रीमेट करती हैं इक्वली कलर्स को इक्वली सेवन कलर्स को आपको पता है कि वाइट लाइट जो है वो सेवन कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है सो आफ्टर स्कैटरिंग सेवन कलर्स स्कैटर्ड इक्वली ओके यहाँ पर डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट के जो पार्टिकल्स हैं इनके थ्रू जो स्कैटरिंग होता है वो इक्वली अमाउंट में होता है ओके okay. सिंपली अगर आप देखें कि आपने एक रूम लिया है जो कि डस्ट पार्टिकल से फिल्ड है तो इस रूम में अगर आप एक होल कर दे छोटा सा तो आपको वो जो पाथ है लाइट का पाथ है वो इजीली दिखाई देगा ओके okay. सो so सिंपली क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं सिर्फ so, स्कैटरिंग के बाद इन पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं ये पार्टिकल विजिबल होते हैं ओके okay, ये जो इफेक्ट है जिसमें लाइट का पाथ आप देख सकते हैं दिस इफेक्ट विल बी कॉल्ड टिंडल इफेक्ट ओके टिंडल इफेक्ट इज बेसिकली ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स आपको स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है तो वो क्यों सो इट इज़ बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिंपली आपने बात किया था कि स्मॉल पार्टिकल्स अगर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन ले लें ले आप तो यहाँ से इंसिडेंट इन पार्टिकल्स पर इंसिडेंट होने वाली जो वाइट लाइट है वो स्कैटरिंग के बाद में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या होंगी इमेज होंगी और अगर आप रेड ब्लू रेड एंड ग्रीन जनरली सिंपलेस्ट वे के लिए आप ब्लू ग्रीन एंड रेड कलर ले लें सो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो रेड कलर एज कंपेयर टू द ब्लू कलर और ग्रीन कलर कम स्कैटर्ड होगा जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो स्कैटर्ड कम होगा वो कलर ओके वी नो अबाउट आवर एटमोसफियर एटमोस्फियर इज मेड अप ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड देट आर द ऑक्सीज एंड नाइट्रोजन गैसेस सो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी टाइनी होते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स से स्कैटर्ड लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्कैटर्ड होती है एंड ब्लू कलर इज द लीस्ट वेव लेंथ सो इट इज द मोस्ट स्कैटर्ड ओके सो यहाँ पर ब्लू कलर जो है आपको सिंपली uh, आप अगर आप स्काई uh, पर देखेंगे तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा एंड अगर बात करें क्लाउड की तो क्लाउड वाइट क्यों होते हैं तो सिंपली क्लाउड्स आर मेड अप डस्ट पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट सो वाटर ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं और उन उनसे स्कैटर्ड होने वाले जो कलर्स हैं वो इक्वली अमाउंट में स्केटर्ड होते हैं ओके okay. सो तो अगर आप वाइट लाइट जो है वो इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी वाटर ड्रॉपलेट पार्टिकल्स पर तो स्कैटरिंग जो है वो सभी इक्वली कलर्स में होते हैं और सभी कलर्स जो हैं इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट तो यहाँ पर हमें क्लाउड्स का जो कलर है वो वाइट दिखाई देता है एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दैट इज़ द सनसेट एंड सनराइज पर सन जो है वो रेडिश दिखाई देता है ऐसा क्यों होता है इमेजिन करें Uh, यहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सन को सो मिड डे में सन जस्ट आपके ऊपर होगा ओके एंड सनसेट एंड सनराइज पर आप सन के हॉरिज़न में होंगे हॉरीजोंटल पोजिशन में होंगे तो क्या होगा कि जस्ट ऊपर जो है एक्चुअली सन एंड आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है सो ब्लू कलर यहाँ पर लिटल बिट स्कैटर्ड होगा ओके okay. सो so, आप देख सकते हैं कि आपको मिड डे में सन वाइट दिखाई देता है ओके okay. और यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल पे हैं मींस सनसेट और सनराइज़ की पोजीशन में आपके और सन के बीच का काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है ओके okay. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के केस में जो वेवलेंथ है ब्लू कलर ग्रीन कलर एंड रेड कलर ओके इन थ्री कलर्स को आप लेकर चलें सो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है तो वो काफ़ी पहले ही स्कैटर्ड हो जाएगा टोटली ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाएगा आप तक पहुंचने के पहले ओके एंड ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है ब्लू कलर से तो वो भी पूरा स्केटर्ड हो जाएगा आप तक पहुँचने से पहले ओके okay, आप तक क्या पहुँचेगा रेड कलर क्यों क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो आपको यहाँ पर सन रेडिश दिखाई देगा होगा बिकॉज रेड कलर जो है वो आप तक पहुँच रहा है रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड कलर कम स्कैटर्ड होता है ओके एज़ कम्पेयर टू द ब्लू एंड ग्रीन सो रेड कलर आप तक ईजीली पहुँच जाएगा एंड सेट के केस में भी यही होगा ब्लू कलर पहले स्केटर्ड हो जाएगा सो आप तक ब्लू कलर नहीं पहुंच पाएगा रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है ओके okay. पहले अगर आप देखें कि रेड कलर जो है वो सिग्नल्स पर डेंजरस वे के लिए यूज़ होता है क्यों होता है बिकॉज आप ब्लू ग्रीन और रेड अगर तीनों का कंपेयर करें तो ब्लू कलर जो है वो स्कैटर्ड जल्दी हो जाएगा ओके okay. स्कैटरिंग ज़्यादा होती है उसकी क्योंकि वेव कम होगी ग्रीन कलर की भी वेव कम होगी सो डिस्टेंस जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगा ओके रेड कलर की वेव ज़्यादा होती है स्कैटरिंग कम होता है स्प्रेडिंग कम होता है ओके okay, इसीलिए आप रेड कलर को इजीली लॉन्ग डिस्टेंस तक मेज़र कर पाएंगे सो so, यहाँ पर रेड कलर जो है वो सिग्नल्स पर डेंजरस साइन के लिए यूज़ होता है ओके okay, सो so, दैट्स ऑल अबाउट टू डेज क्लास आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे सो चैप्टर नंबर इलेवन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड इन इसमें जो टॉपिक्स थे वो हमने स्टडी कर चुके हैं अब हम एक वीडियो लेकर आएँगे क्लास टेंथ का जिसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस होंगे वो ही उन्हीं पर हम फोकस करेंगे ओके okay. सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि फिजिक्स का पार्ट था वो डिडक्ट हो चुका है फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्ज़ाम ओके सो जो एग्ज़ाम के पर्पज से जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है सभी चैप्टर्स के वो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे ओके okay, सो so मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच